जाएंगे, इसके बाद वंदना होगी। कि आज मिला जो धन सुख वैभव, किसकी बदौलत मिला है? बाबा साहब की। बाबा साहब संविधान निर्माता किसकी बदौलत बन पाए मालूम है? किसकी बदौलत बन पाए बताओ थोड़ा। रोज बताते हैं, आज भी बताया था, अभी भी बताया। बात चलती बेरा, बात अच्छा लाओ। कौन कौन पहनाने के लिए, कौन लाओ हमें बात पहनाने के लिए? तब बात मांगो जाए। अच्छा मंगे तभी तो लाए हो, तभी तो मांगो जाए। हाँ हमें मालूम आप लोग लाए ही ना, था से हमने मांगो ही ना। उन्हें मालूम है बात मांगो जाते ना, मांगने की तो हमने बाबा साहब ने कहा मांगो ना छीन लो। आप लोग लाइए ना बात तुम छीने का, जबकि हमने कल ही कह दी थी बाबा साहब की शादी की झांकी वो कथा सुनाई जाएगी, आप लोग कुछ ना कुछ जरूर लेके आना। कौन कौन क्या क्या लेके आया, कोई लाओ भात में साड़ी ब्लाउज, हम तो पहन लेते साड़ी। लाए हो तो लाओ भैया, मांगे हम। कोई नहीं लाया, बताओ हम बताओ क्या करें। कि विद्या मंदिर धन और दौलत ये सम्मान नहीं मिलता, रमाबाई घर त्याग न मिलती तो ये संविधान नहीं मिलता। पास हो गया बाबा साहब आए, मिला वजीफा जब बाबा को पास रमा के वो आए, घर परमिशन मिले तुम्हारी पढ़ने हम विदेश जाए, घर परमिशन मिले तुम्हारी पढ़ने हम विदेश जाए। कौन दे देता है ऐसी स्थिति में अनुमति? शादी वह चार महीना ना वे तुम विदेश जा रहे, का पता कहो गोरी से शादी कर ली तो, कहो गोरी सुंदरी से शादी कर ली तो, कहो ये ना जानिए पढ़ाई दर दो चौक जा में संबंध कर गए। अरे रमा अगर अनुमति ना देती सिंबल नॉलेज ना बनता, माता रमा अगर त्याग न करती ये संविधान Thank you.
बाबा भीम पढ़ाई खातिर संघर्ष कर रहे दिन राती। विदेश में संघर्ष कर रहे हैं रात और दिन, और भारत में बंबई में क्या हो रहा है माता रमाबाई के साथ में। बाबा भीम पढ़ाई खातिर संघर्ष कर रहे दिन राती, घर में रमा और बच्चे दिए जले दिया न कभी बाती, घर में रमा और बच्चे पर जले दिया न और बाती। और कोई कोई दिन तो ऐसे बीते, किसी किसी दिन क्या हुआ, साग मिलता रोटी तो दूर साग भी नहीं मिलता। अरे कोई कोई दिन तो ऐसे बीते, रोटी मिले न साग मिलता, रमा गाई रमा बाई कर त्याग न करती, ये संविधान पहुंचता था वो पहुंचने में थोड़ा डिले हो गया, यानी कि लेट हो गया, तो क्या हुआ, बीच पढ़ाई में खर्च हुआ धन, बाबा साहब घर आए बिना इलाज के दो सुत मर गए, रमा बाई ये बतलाए, बिना इलाज के दो सुत मर गए, रमा बाई ये बतलाए। ना हो और दो दो बच्चे पति की गैर मौजूदगी में खत्म हो जाए, उस स्त्री पर क्या बीतती है। कैसे थील में धीर धरूं, मन में नहीं धीर बंधता, माता रमा कर त्याग न करती, ये संविधान नहीं मिलता। जाओ विदेश में, पढ़ाई बंद ना करो, क्योंकि पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे तो लोगों का भला होगा। तो बाबा साहब के एक मित्र थे जिनका नाम था नवल भटेना, ध्यान देना, नवल भटेना नाम के मित्र से बाबा साहब ने 5,000 रुपए उधार मांगे उस समय, दे दिए नवल भटेना ने। अरे वापस वापस भीम, अरे वापस भीम बाबा गए जब, एक पुत्री का जन्म हुआ, खबर मिली बाबा साहब को प्यारा इंदु नाम दिया, खबर मिली बाबा साहब को प्यारा इंदु नाम दिया। बाबा साहब विदेश चले जाते हैं, इसके बाद रमाबाई ने एक पुत्री को जन्म दिया, बेटी को, जिसका नाम इंदु रखा बाबा साहब ने खत में। अरे उपले बेचे घर घर जाके, अपने पति की पढ़ाई की खातिर, अरे उपले बेचे घर घर जाकर पैसा दो चार मिल
चलता रमाबाई घर त्याग न करती ये संविधान नहीं मिलता। बाबा साहब का उपले बेच के जब घर आई बाबा साहब का पत्र मिला। वैसे खर्च हुए मेरे सब पत्र में भीम ने लिख भेजा। वैसे खर्च हुए मेरे सब पत्र में भीम ने लिख भेजा। रमा मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तुम पैसे भेज दो। हाय देखिए उस त्यागी महिला ने क्या किया, त्याग की मूर्ति रमाबाई ने। अरे बेट के पति की खातिर आज रमा ने इंदु बेटी भी मार दी। बाबा साहब की बेटी इकलौती जिसका नाम बड़े प्यार से इंदु रखा था, बीमार हो गई थी, लेकिन पति का जब पत्र मिला मेरे धम प्रेमियों तो ध्यान देना। पति की खातिर आज रमा ने बेटी को कुर्बान किया। नाजों से पली बेटी बीमार थी, इलाज नहीं मिल पाया। पति की खातिर आज रमा ने बेटी को कुर्बान किया। रमा बाई घर त्याग न करती ये संविधान नहीं मिलता। विदेश में पढ़ते रहे और जब भारत एक बार हुआ क्या, एक दिन ऐसी घटना घटती जिसने सबको झकझोर दिया। राज रतन बीमार हुआ माँ के पास नहीं बैठा। राज रतन बीमार हुआ माँ के पास नहीं बैठा। बाबा
अपना कुर्बान किया, पुत्र को लख न सके बाबा, बेटा अपना कुर्बान किया रमा बाबा।